यही था कि तो हम लोग वहां पर गए थे दीपक सर के पास। अच्छा, सारा मुद्दा लेके गए थे, लेकिन सबसे प्राथमिक मुद्दा यही था कि सातवां चरण का जो नोटिफिकेशन है जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। क्योंकि आप हम लोग को वही सीमा दिए थे कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक यानी 25 जुलाई तक जारी कर देंगे सारा सीटों का गणना करके। तो बोले कि सर, बोले कि तुम लोग से ज्यादा बेचैन हम है सही समय पर देने के लिए, क्योंकि हम तो तुम लोग से प्रॉमिस किए थे जी इसके इसके अंतराल तो हम लोग दे देंगे। तो हम बोले, फिर हम लोग सत्यम भाई भी थे हमारे साथ, कि सर सीटों की गणना अच्छे से नहीं हो पा रही है जी। तो वो बोले कि तुम लोग से ज्यादा बेचैन हम है सीटों की गणना कराने के लिए, तुम लोग विभाग नहीं हुआ वो कि खुद से इतना प्रॉब्लम सोचते रहते हो, ये जाते रहते वो जाते रहते, तुमसे ज्यादा बेचैन हम है सीट की काउंटिंग कराने से लेकर शेड्यूल जारी करने के लिए। सीट के डिवाइडेशन के ऊपर बात हुई है क्या? देखिए सर, सीट के डिवाइडेशन और महिला सीट और सीटेट का वेटेज, वो खुद अपने मुख से बोले हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज के लिए, तुम लोग ये सब मांग जो रखे हो हमेशा यही मांग लेके तो तुम लोग आते हो। हम लोग के दिमाग में और कान में ये बार बार गूंज चुका है मैटर कि ये करना है, ये सब हम लोग मंत्री जी के समक्ष रख चुके हैं। जैसे वो कोरोना से रिकवर होते हैं, आइसोलेशन से निकलते हैं, तो वो इस पे हामी भरते हैं और शेड्यूल जारी कर देंगे मंत्री जी का एक बोली पे। तो बस बोले कि सारा बात वहां पहुंचा दिया गया है। और ये भी बोले हैं, देखो बाबू मांग बहुत सारा है, जाहिर सी बात है कि सब मांगे पूरी नहीं होगी, कुछ इसमें छूट भी जाएंगी, ये खुद बोले हैं जी जी जी। हाँ, तो क्या क्या उम्मीद है कि क्या क्या चीज आपकी और हम लोग की बातें मानी जा सकती है सर? पहली तो हमको लग रहा है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज कंफर्म है, ये तो कंफर्म है जी। सीटों का विखंडन भी हमको जहां तक लग रहा है कि तय नहीं है जी, सतह है, हमको भी इस पे मालूम चला हमको लगा कि सीटों का विखंडन तय है जी सर, बोले थे जी। हम महिला वाला पर भी सोच रहे हैं, लेकिन सीटेट का वेटर के लिए एकदम मुस्कुराए हैं, हमको लगा सीटेट का वेटर भी दे देंगे, ये तो तय है। बाकी एक दो चीज है जो छूट रहा है, तो हमको नहीं लगता कि वो शामिल करेंगे, जैसे EWS का है कि 55% पर किया जाए, उससे नहीं कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला है सर। देखिए हम भी गए थे तो हमको जहाँ तक हमको पास जो है सर जानकारी, क्योंकि एक दिन का तो ये मीटर है ना सर, तो मतलब इस EWS का मीटर जो बताए ये नहीं हो सकता है। हम भी क्लियर हो, क्लियर बोलिए, बल्कि क्लियर का हमको बात हो सकता है कि वेटेज पे भी, सीटेड के वेटेज भी जहां तक हमें लगता है कि इस बार 6th फेज 7th फेज में नहीं देगा, क्योंकि नियमावली में ही नहीं है सर। लेकिन उससे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स लगा, वो बोले कि देखते हैं सीटेड के वेटेज पे जी जी जी, वही बात, कुछ कुछ बातें हुई यही सब घुमा, ज्यादा तो अधिकारी समय देते नहीं है जी, राइट सर, इतना ही बात हो। फिर रवि सर के पास भी गए थे, तो रवि सर सोचा जानते हैं कि बढ़िया से बोलते नहीं है, और वो बोले कि सर समय सीमा पर आ जाएगी, तो बोले कि हाँ आ जाएगी। और कोई सवाल तक आ जाएगी सर, ये तो थोड़ा बता सकते हैं सर? हम लोग यही बोले सर, जुलाई के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो बोले कि तुम लोग परेशान क्यों होते हो, तुमसे ज्यादा परेशान हम है जारी करवाने के लिए, और विभाग उस पर कार्य कर रही है जी, हम लोग तेजी से कार्य कर रहे हैं, तो कार्य पूर्ण हो जाती है तो तुम्हारा शेड्यूल हम लोग दे देंगे जी। अच्छा ये बात हुई है क्या कि रिक्तियां कृषि किसी जिला का अभी तक रिक्तियां नहीं आ पा रहा है सर? पर्सनली हम अपने जिला के सर, भोजपुर जिला के DO के पास लगातार जा रहे हैं सर, वहाँ पे कुछ एक्शन सीटों का लेकर नहीं हो रहा है। अच्छा, तो जिला का भी बोले कि सर बहुत सारे जिले ऐसे हैं कि जहाँ DO साहब अभी तक लेटर भी नहीं जारी किए हैं कि हमको इस अनुपात में बच्चे चाहिए, सॉरी टीचर चाहिए, और ऐसे ऐसे रिक्त निकालना, बहुत सारे लेटर, जैसे जमुई हो गया, भोजपुर हो गया, गोपालगंज, ये सब का हमने नाम लिया, ओरल नहीं नाम लिया, मौखिक रूप से। तो बोले कि ठीक है ये सब हम देखते हैं, बस इतना ही बात हुआ सर जी। थैंक यू सर अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद किया आज, कम से कम आप अपना मतलब जो भी नहीं सर, नहीं आपका नहीं सर, मेरा तो यही है कि अपनी सारी बातें सारे अभ्यर्थियों के पास पहुँचाए। आ गए जी जी, आज आज सर हम जाते सर, बट सत्यम जी बोले कि आप, मैं निकल गया हूँ सर, आप कभी नेक्स्ट दिन दिया जाएगा, साथ में जाते हैं सर, गुरुवार को फिर हम आएंगे जी सर, जरूर ठीक है सर, मिलेंगे जरूर सर, जरूर ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है।